मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, मेरा जो लालन पालन हुआ है, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था जो आज मैं दुनिया मुझे देख रही है। आप अपने गांव का कोई भी गरीब परिवार देख लीजिए और फिर सोचिए कि यहाँ से क्या क्या हो सकता है, तो कहीं नहीं जाके आप अटक जाएंगे। मैं तो कभी कहता था कि मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ कि अगर मैं स्कूल में टीचर बन जाता तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस में सबको गुड़ खिलाती, क्योंकि मेरा जीवन वैसा ही था। शायद परमात्मा की ही कोई इच्छा है, शायद ईश्वर ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है, किसी पर्पज के लिए भेजा है, और ईश्वर ही मुझसे सब कुछ करवाता है, वही दौड़ाता है, वही पद देता है, प्रतिष्ठा देता है, वही परिणाम भी देता है। और मैं ईश्वर के दो रूप देखता हूँ, एक साकार एक निराकार। जो 140 करोड़ देशवासी हैं उनको मैं परमात्मा का रूप मानता हूँ, तो वो मेरे लिए एक साकार ईश्वर का रूप है जिसका मैं नित्य पूजा करने वाला व्यक्ति हूँ, और दूसरा एक निराकार रूप है जिसको न मैंने देखा है न कोई देखने वाला मुझे मिला है, लेकिन मेरी उसमें अपार श्रद्धा रही है। शायद ईश्वर ने ही मुझे ये संकेत दिया है, तुम निराकार रूप की खोजने में अपना समय बर्बाद मत करो, ये साकार रूप जो ईश्वर का है तुम उसी में खप जाओ, निराकार तेरे साथ रहेगा।